नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। पीएम ने यह भी कहा कि पंजाब की जनता की भलाई के लिए आगे भी पंजाब सरकार के साथ काम जारी रहेगा। आपको बता दें, पीएम मोदी ने चन्नी के शपथ ग्रहण के बाद ट्वीट किया, चरणजीत सिंह चन्नी जी को पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई। पंजाब के लोगों की भलाई के लिए सरकार पंजाब के साथ काम जारी रखेंगे। आपको ये भी बताते चलें कि चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के 16वें सीएम बने हैं, हालांकि इस राज्य के वह पहले दलित सीएम हैं। आपको ये भी बताते चलें कि चन्नी के साथ ओपी सिंह और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी शपथ ली। सोमवार को राजभवन में राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने चन्नी के साथ दो अन्य नेताओं की शपथ दिलाई। वहीं बीते शनिवार कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। राज्य में अगले साल मार्च महीने में चुनाव होने वाले हैं और यही वजह है कि चन्नी के लिए यही चुनौती है, क्योंकि चुनाव होने वाले हैं तो अब उनका सफ़र कैसा रहेगा, कैसे इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, कैसे उन तमाम जो नाराज़ नेता चल रहे हैं उनको मनाएंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, मुबारकबाद दी है और उनके आने वाले सफ़र के लिए, फ्यूचर के लिए उन्हें जो है ये भी कहा कि उनके साथ मिलकर जो है अच्छा काम करेंगे, लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, लोगों के भले के लिए काम करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है और कहीं ना कहीं चरणजीत सिंह चन्नी को इससे हौसला मिलेगा, उत्साह मिलेगा और पंजाब के चुनाव के लिए मिलजुल कर साथ काम काज करेंगे तो वहाँ की जनता के लिए और भी भला होगा। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज़।